गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन। पेपर है फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट क्रियात्मक प्रबंध। अपना अध्ययन चल रहा था क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र एरियाज ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट थे व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, इसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र ये विस्तृत रूप से अपने बुक में दिया हुआ है और सारांश के रूप में अपने किताब की बुक की समरी भी दे रखी है। एक तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं जितने भी टॉपिक्स हैं बुक में वो इसके अंतर्गत दिए हुए हैं डिटेल से चैप्टर वाइज। सेकंड जो है गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, इनका अध्ययन अपन आज करेंगे। व्यावसायिक प्रबंध की अपेक्षा गैर व्यावसायिक प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अर्थात गैर व्यावसायिक प्रबंध के निम्न प्रकार के क्रियात्मक प्रबंध सम्मिलित होते हैं। इसमें सबसे पहला फर्स्ट अपन लेते हैं लोक प्रबंध या प्रशासन, पब्लिक मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। देश के सार्वजनिक जीवन, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित कार्यों का प्रबंध लोक प्रशासन के क्षेत्र में है। ये अपने देश में व्यावसायिक संस्थाओं के अलावा जैसे पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन, न्याय व्यवस्था अपने देश की, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सभी का जो भी कार्य होते हैं इन सभी से संबंधित वो सब लोक प्रशासन या लोक प्रबंध के क्षेत्र में आते हैं। संक्षेप में कुछ कार्यों का प्रबंध इसमें सम्मिलित होता है, जैसे शिक्षा का प्रबंध, एजुकेशन मैनेजमेंट, दूसरा स्वास्थ्य सेवा प्रबंध, हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट, तीसरा पुलिस प्रबंध। देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मैनेजमेंट किया जाता है, सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंध, सुरक्षा प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि का प्रबंध, खेलकूद एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रबंध, ये सभी लोक प्रबंध या प्रशासन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा सेकंड नंबर का अपना है इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक प्रबंध। आर्थिक प्रबंध या प्रशासन देश के आर्थिक मामलों का प्रबंध करता है, यानी इकोनॉमिक मैटर्स जितने भी हैं देश में उन सबका मैनेजमेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। यह देश की योजनाओं के निर्माण करने, कर लगाने और वसूलने, औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग, नीति नियम कानून बनाने, विदेशी व्यापार का विकास करने, रोजगार की समस्या का समाधान करने जैसे आर्थिक मामलों का प्रबंध करता है। विशेष रूप से अपने देश में देखा जाए तो ये सभी क्षेत्र बहुत जरूरी हैं जिनका प्रबंध आर्थिक प्रबंध के अंतर्गत आता है, जैसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, व्यापार का विकास करना, कर लगाना एवं वसूलना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अगला अपना है तकनीकी प्रबंध, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। यह यंत्रों के शोध एवं विकास, तकनीकों के आयात, निर्यातों के अपनाने, स्वदेशीकरण करने या तकनीकी शिक्षा के विस्तार आदि के प्रबंध से संबंधित कार्यों का प्रबंध करता है। अपने देश में तकनीकी प्रबंध सरकारी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, तकनीकी
विकास करना या शिक्षा का विस्तार करना और निजी क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। अगला है पर्यावरण प्रबंध या प्रशासन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। वातावरण प्रबंध देश के भौतिक वातावरण फिजिकल एनवायरनमेंट से संबंध रखता है। यह निर्माण प्रक्रियाओं, वाहनों, वस्तुओं के उपयोग, व्यर्थ पदार्थों की निकासी, जनसंख्या के अधिक घनत्व आदि से उत्पन्न वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण को कारगर ढंग से रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करता है। आज के युग में पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह एक समस्या बनी हुई है पर्यावरण संबंधी। इसका प्रबंध करना बहुत जरूरी हो गया है, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो। इन सभी की प्रबंध व्यवस्था करना तकनीकी प्रबंध पर्यावरण प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला अपना पांचवा, राजकीय या लोक उपक्रमों का प्रबंध। सरकारी स्वामित्व अथवा प्रबंध अथवा नियंत्रण से संबंधित उपक्रमों का प्रबंध राजकीय उपक्रमों के प्रबंध का क्षेत्र है। ऐसे उपक्रम मोटे रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अपने देश में विशेष रूप से अपने देश के संदर्भ में अपन ये बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो उपक्रम है उनका प्रबंध सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है। यह मूल रूप से अपन डिटेल से अध्ययन करें तो यह तीन प्रकार के होते हैं अपने देश के संदर्भ में विशेष रूप से। पहला है लोक उपयोगी सेवा उपक्रम, अर्थात लोक उपयोगी पब्लिक के उपयोग से संबंधित सर्विस सेक्टर्स जो होते हैं, जैसे इनके अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है, जल, विद्युत, रेल, डाक, तार, टेलीफोन, वायु एवं सड़क परिवहन। ये सभी जनता के उपयोग की सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इनको लोक उपयोगी सेवा उपक्रम के नाम से जाना जाता है। चाहे वह सड़क परिवहन हो, चाहे वह रेल परिवहन हो, चाहे टेलीफोन से संबंधित हो, विद्युत जल से संबंधित हो, ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर के उपक्रम हैं। इनका प्रबंध भी सरकार के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, के द्वारा किया जाता है। दूसरा, राजकीय या लोक उपक्रमों में दूसरा प्रकार आता है विकासात्मक प्रबंध उपक्रम। विकासात्मक उपक्रम जो देश के विकास कार्यों को करते हैं, अर्थात विकास कार्यों में योगदान देते हैं, उनको विकासात्मक उपक्रम के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंस संबंधी जो सुविधाएं प्रदान करती हैं, खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम यानी खनिज एवं औद्योगिक विकास उद्योगों के विकास से संबंधित कॉरपोरेशन स्थापित कर रखा है, लघु उद्योग निगम, विकास बैंक, ये सभी विकासात्मक उपक्रमों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विशेष रूप से देश के विकास में सहयोग करने के लिए ये वित्त की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, औद्योगिक समस्याओं को समाधान करने में सहयोग करते हैं। अगला तीसरा प्रकार है राजकीय व्यावसायिक उपक्रम जो देश के व्यावसायिक कार्यों के संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं। हमारे देश में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनेक उद्योग लगाए हैं, जैसे ट्रैक्टर, स्टील, औषधि उद्योग में ऐसे उपक्रम स्थापित किए गए हैं। लोक उपक्रमों के प्रबंध के क्षेत्र में इन सब का प्रबंध शामिल होता है। तो कहने का मतलब राजकीय या लोक उपक्रमों का प्रबंध तीन प्रकार के उपक्रमों शामिल करते हैं उसमें,
नंबर वन दोबारा रिपीट करते हैं, लोक उपयोगी उपक्रम, सेवा उपक्रम, विकासात्मक उपक्रम और राजकीय व्यवसायिक उपक्रम। इन तीनों प्रकार के उपक्रमों की जो प्रबंध व्यवस्था की जाती है उसको अपन राजकीय या लोक उपक्रमों के प्रबंध के अंतर्गत शामिल करते हैं। छठा जो प्रबंध है वह सहकारी प्रबंध, ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सहकारी संस्थाओं तथा इनके विकास एवं नियमन के लिए स्थापित संस्थाओं के प्रबंध से संबंधित क्षेत्र को सहकारी प्रबंध कहते हैं। कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव के संबंध में आपने सुना होगा कि सब एक के लिए और एक सबके लिए। सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से कोऑपरेटिव संस्थाएं स्थापित की गई हैं जिसमें लोगों की भागीदारी होती है और सहयोग के आधार पर वह संस्थाएं चलाई जाती हैं। तो इनका प्रबंध जो भी अपन करते हैं उसको अपन सहकारी प्रबंध की कैटेगरी में लाते हैं। अगला है सातवां, गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट। गृह प्रबंध प्रबंध का वह क्षेत्र है जो घरों के प्रबंध से सरोकार रखता है। यह घर के विभिन्न पहलुओं यथा रसोई, बेडरूम, ड्राइंग रूम की व्यवस्था, रख रखाव, सजावट आदि का प्रबंध करता है। तो ये सात प्रकार के गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र का अध्ययन अपन ने इसके अंतर्गत किया है। गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में पहला आपने अपने अध्ययन किया लोक प्रबंध या प्रशासन, दूसरा आर्थिक प्रबंध या प्रशासन, तकनीकी प्रबंध या प्रशासन, पर्यावरण प्रबंध या प्रशासन, पांचवा राजकीय या लोक उपक्रमों का प्रबंध। इनको अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया है, लोक उपयोगी उपक्रम, विकासात्मक उपक्रम, तीसरा राजकीय व्यावसायिक उपक्रम। ये तीन प्रकार के उपक्रम का जो प्रबंध व्यवस्था की जाती है वह राजकीय या लोक उपक्रमों के प्रबंध में शामिल किया जाता है। अगला अपन ने लिया था छठे नंबर का सहकारी प्रबंध, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, और सातवां लिया था होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध। उपयुक्त विवरण से अपन ये स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र अनेक हैं, इनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इन क्षेत्रों में से कुछ क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्रों की विवेचना प्रस्तुत अपनी जो पुस्तक है इसमें आगे डिटेल से की जा रही है। ये अपना क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।